आज ही एक नए व्लॉग में, आज सिम्बा का नहाने का दिन है तो हफ्ते में एक बार मैं उसे नहला देती हूँ, खुश हो जाता है ठंडे ठंडे पानी से नहा के। आज मौसम अच्छा था इसलिए उसे छत पे ले आई हूँ इवनिंग के टाइम में, क्योंकि बादल आ गए थे अचानक से, भगवान की कृपा हुई है दिल्ली वासियों पे। तो मैंने सोचा चलो आज सिम्बा को नहलाते हैं, इसको अच्छा भी बहुत लगता है इन दिनों नहाना, गर्मी बहुत है यार, हम इतना अच्छा हम डेली नहाते हैं तो इसको वीक में एक बार तो मैं नहला ही देती हूँ, खुश हो जाता है फ्रेश हो जाता है। तो मेहनत बहुत लगती है, ये मेरा कम से कम 15 मिनट का वीडियो था जिसको मैंने आपको 1.5 मिनट में दिखाया है फास्ट फॉरवर्ड करके, ये 15 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने सिम्बा को रगड़ रगड़ के नहलाया। चलिए कोई नहीं, मेहनत करते हैं तो ही कोई फल मिलता है, कुछ ना करने से तो कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारा सिम्बा भी गोरे चित्र समझ जाएगा और कहीं कहीं इसके कुछ कुछ चिपक जाता है, कोई पत्ते कोई कुछ कहीं बैठ जाता है कुछ, वो सब एक बार कुछ क्लीन हो जाता है। शैम्पू भी कर दिया है, पूंछ भाई साहब की बहुत गंदी हो जाती है, रीज़न लंबे लंबे बाल हैं लटकते रहते हैं, इधर पूंछ से सफाई करता रहता है हर जगह की। तो शैम्पू कर दिया है भाई साहब को, मुँह अच्छे से क्लीन कर दिया है, बम अच्छे से क्लीन कर दिया है, वो बहुत ज़रूरी है इनका। तो देखते रहिए सिम्बा, चमकदार सिम्बा बन के निकल के आता है अभी, और दिखाएंगे हम आपको कैसे कैसे इसका ये नहाने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है। एक्चुअली मेरे पास पाइप नहीं था, पाइप तो था पर प्रेशर नहीं आता क्योंकि टंकी बिल्कुल ही उतर रखती है, उसमें प्रेशर नहीं आता, इसलिए मैं बकेट से पानी ले लेके इसको नहा रही थी। तो इंजॉय कर रहा है, मस्त मज़ेदार टाइ इसलिए किया हुआ है, भाग जाएगा विद इन द मिनट भागेगा। तो मैं कब बांध के रखती हूँ ताकि अच्छे से नहा ले, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर इसको समझ आ जाएगी कि हाँ नहाना है, ये करना है वो करना है। तो जी आज का प्रोजेक्ट यही है, सिम्बा का बाथिंग डे। तो देखिए और इंजॉय कीजिए, हमारे ब्लॉग कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर, और सिम्बा के शॉर्ट्स भी आप देखते रहते हैं। खास बात ये हुई है आज, पीछे देखो पेड़ कितना ज़बरदस्त तरीके से हिल रहा है, हवा बहुत मस्त चल रही है। इसको सिर्फ नहलाने से तो काम चलता ही नहीं है, इसके तो भाई उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, इसको पोंछना होता है, इसको कॉम करना होता है, ऊपर से काबू बहुत मुश्किल से आता है, और अगर कॉम नहीं करेंगे तो सारे बाल इसके जो हैं वो उलझ जाएंगे आपस में अड़ जाएंगे। तो ब्रश और उसके बाद कॉम, पहले ब्रश उसके बाद कॉम, तब जाके थोड़ा ठीक होएगा, अदरवाइज सारे बाल जो हैं इसके बिल्कुल टैंगल हो जाएंगे आपस में और फिर इसी को दिक्कत होएगी। मैं इसे टाल से अच्छे से सुखा दूंगी, हवा चली रही है कुछ नेचुरली सूख जाएगा, गर्मी है ही, मज़ा तो इसको बहुत आ रहा है मज़ा, पर इसे खेलना भी है कूदना भी है सारे काम एक साथ करना जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। और पहले करूँगी ब्रश, मान ही नहीं रहे, नहीं मानेगा, और अब इसको टाई करूँगी फिर ब्रश कराएगा ये अपने, इसको पकड़ के मैं अच्छे से इसकी कॉम कर दूँगी, इसके बाल बाल सुलझ जाएंगे थोड़े। ये देखो नाटक देख लो इसके, इसके नाटक नहीं ख़त्म होते हैं, किसी तरह काबू आ जाइए बस बस। चलिए करते हैं हम अपने काम। हेलो जी, राम राम जी, मौसम हो गया है बहुत बढ़िया, सिम्बा को मैंने नहला दिया है और क्या कहते हैं आप उसकी कॉम कर रही थी क्योंकि उसके बाद चील उड़ के गई, उसकी कॉम कर रही थी मैं, बैठा हुआ है सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो आज का व्लॉग यही था कि आज सिम्बा का नहाने का डे था, आज क्या है आज ट्यूसडे है, आज सिम्बा का नहाने का डे है, आज ट्यूसडे है, इसको बहुत गुस्सा आता है जब इसको हम कॉम करते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है।
पर कॉम के बिना इसे गुजारा नहीं। तो देखो अभी दिखाती हूँ इसको फुल एकदम, जब ये कटैक मटैक तैयार हो जाएगा फिर दिखाती हूँ। तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। और ये है पौधे, ठीक है। और ये है सिम्हा महाराज। खोल दूँ, घूमेगा थोड़ी देर, अपना सामान लेके सारा उथल पुथल। ठीक है, आज थोड़ी बारिश आ जाए और गर्मी थोड़ी कम हो जाए दिल्ली में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी राहत मिलेगी भाई। गर्मी इतनी है तो बनता है सिम्बा का हफ्ते में एक बार नहाना तो बनता ही बनता है। तो मैं इसको ठंडे ठंडे पानी से नहला देती हूँ, सिम्बा फुल एंजॉय करता है। वहाँ जाकर बैठना नहीं है वहाँ पे। तेरे को क्या मजा आता है मेरे पौधे तोड़ने में, तभी मैंने तुझे लीश लगाई हुई है। बैठो बैठो यहाँ पे। अभी तो इसको मस्ती चढ़ी हुई ना, नहाने के बाद जो चढ़ जाती है इनको। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, इसके बाद हम नीचे जाएंगे, कुछ खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे, रात का तैयारी करेंगे और इंजॉय करेंगे। अभी तो मैं और सिम्बा मौसम का मज़ा ले रहे हैं। वैसे तो गर्मी है, गर्म हवा है, पर बादल हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ये वाले प्लांट्स भी देख लो भाई मेरे, ये देख, मम्मी के यहाँ से बीज लाई थी, वो ग्रो कर चुके हैं। चलिए जी, आपका दिन बहुत शुभ हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आप खूब इंजॉय करते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, इंजॉय करें।